सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं गूगल के सीईओ की कामयाबी की कुंजियां, कामयाबी की शरायत, कामयाबी हासिल करने के गुर और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अपने अंदर क्या चीजें पैदा करनी पड़ेंगी, आपके अंदर क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या डेवलपमेंट करनी है आपने अंदर, अपने अंदर पैदा करनी है कुछ डेवलपमेंट, ये तमाम चीजें मैं आज आपको एग्जैक्टली अबाउट ये तमाम चीजें आज आपको बताई जाएंगी। इससे पहले कि हम अपना ये छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं जिसमें हम देखेंगे कि कामयाबी कैसे मिलती है और कामयाबी क्या है। इसमें कोई आपको लेक्चर नहीं देना, जस्ट आपको बताना है कि कामयाबी कैसे मिलेगी। हर शख्स ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपना टारगेट सेट किया होता है, हर शख्स ने अपनी औकात के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी ज़हनियत और अपने कैलिबर के मुताबिक सेट किया होता है टारगेट कि यहां तक अगर ये ख्वाहिशात मेरी पूरी हो जाएं, इतना पैसा मुझे मिल जाए, अगर इतनी शोहरत मुझे मिल जाए तो ये मेरे लिए कामयाबी होगी। जब हम ये कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो याद रखें, अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिटेबिलिटी लॉस को स्टडी करना पड़ेगा, लॉ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अमल करना पड़ेगा, हमें डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स हासिल करनी पड़ेंगी। याद रखें, कामयाबी मिलती है दो अमल करके। कैसे? कि एक तो हमें अपनी लायबिलिटीज का ख्याल रखना पड़ता है, हमें अपने लायबिलिटीज टारगेट से रिगार्ड पूरी करनी पड़ती हैं, हमें डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, हमें नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, हमारी जो स्किल्स हैं, नॉलेज, हमारे जो भी हमारा टारगेट है, जो हमारा वर्क है उसके ऊपर हमें नॉलेज हासिल करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा, हमारा गोल कोई ना कोई होना चाहिए, हमें स्किल्स में महारत हासिल करनी पड़ेगी, जो भी हमारा काम है उसके रिगार्ड हमें स्किल्स हासिल करनी पड़ेगी, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। जब भी हमें कामयाबी लेनी है तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि कामयाबी की कुंजी की कुछ शरायत, कामयाबी की कुंजी की शरायत क्या है यार, हमें ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी। जो भी हम काम करना चाहते हैं, जो भी हम टारगेट जिसमें हम काम करना चाहते हैं उसकी हमें ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी, हमें ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद गुड लक, देखें हर शख्स में गुड लक बैड लक होती है, गुड लक का इंतजार हमें करना चाहिए लेकिन पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमें पैशन के साथ काम करना पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें कस्टमर ओरिएंटेशन हमारे अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने अपने किस कस्टमर को कब किस वक्त कैसे टच करना है। उसके बाद हमें कामयाबी छीनने के लिए कुछ गुर हासिल होने चाहिए, उसमें सबसे पहले हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, हमें लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, हमें मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। जब हम ये तमाम खसूसियात अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो याद रखें, एवरीवन विल यू गारंटी, हर शख्स आपको गारंटी करेगा। अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दें, स्टे ट्यून्ड विद मी।